हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जे एन टेक्निकल। आज हम आपके लिए इस सीरीज की दूसरी वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाके देखिए। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त निखिल जैन। तो आज का हमारा टॉपिक है CSS ID और CSS क्लास, और उसके बाद CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम CSS ID और CSS क्लास क्या होती है। तो CSS ID क्या होती है? CSS ID होती है यूनिकनेस के लिए, और CSS क्लास किस लिए होती है? मोर देन वन या फिर कह सकते हैं आप यूनिकनेस के लिए नहीं होती। तो हम आपको दिखाते हैं ID और क्लास का यूज करके। तो जैसे मैं H2 बना रहा हूँ, H2 में मैंने ID दे दी, टेक्स्ट ID दे दी मैंने। तो लिख देता हूँ मैं वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। तो हम इसे स्टाइल देते हैं। स्टाइल जब भी आप आईडी यूज करोगे तो प्रेसिडेंस हैशटैग यूज होएगा, हैशटैग टेक्स्ट। तो मैंने कलर दिया इसे रेड। तो देखना अब आप जब भी रन होगा तो रेड कलर आ जाएगा इसका। देख रहे हो आप, रेड कलर आ चुका है। अब इसके बाद चलते हैं हम सीएसएस क्लास पे। अब यूनिकनेस के लिए यूज होती है आईडी, और मोर देन वन चीजों के लिए यूज होती है क्लास। तो इसके बाद हम H6 यूज करते हैं। H6 आपको दिखाते हैं ना क्लास का काम करती है। क्लास में क्लास दी हमने इसे टेक्स्ट। तो हम इसे, और जब भी आप क्लास लगाओगे तो प्रिसीडेंस होगी इसकी डॉट। तो डॉट टेक्स्ट लगाया मैंने, और यहाँ पे कलर दे दिया मैंने इसको येलो, और बैकग्राउंड दे देता हूं मैं इसे बैकग्राउंड येलो। चलिए रन करते हैं इसे। देख रहे हो आप, आ गया येलो। वो नहीं दिख रहा क्योंकि येलो के ऊपर येलो आ गया। तो इसके बाद हम चलते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आती है कलर की। तो हम आपको कलर की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दिखा देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बनाते हैं डिव के अंदर क्लास। तो मैंने उसको नाम दिया टेक्स्ट। ये सब हटा देते हैं, मर्जी आपके लगाना तो हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं क्लास की प्रेसिडेंस होती है डॉट, उसके बाद देते हैं हम बैकग्राउंड कलर, देते हैं हम ग्रीन। उसके बाद विड्थ राइट भी सेट करनी पड़ेगी हमें डिव क्लास की। विड्थ दे देता हूँ मैं 100% और हाइट दे देता हूँ मैं 100 VH, ठीक है। तो चलिए अब रन करते हैं इसे। देख सकते हो आप, ये सब्सक्राइब आ गया, पहले सब्सक्राइब नहीं आ रहा था। तो आप कह, आप चाहते हो कि ये वाइट वाइट ना आए, जो साइड में वाइट आ रहा है। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, पहले तो हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो आपको सिंपली बस कुछ नहीं करना, आप यूनिवर्सल ऑपरेटर का यूज करिए। यूनिवर्सल ऑपरेटर था स्टार, तो वहां जाके लिख दीजिए मार्जिन एट लिख दिया हमने, इसलिए वो मार्जिन नहीं उठा रहा है। तो अब लिखेंगे मार्जिन 0 पैडिंग 0। तो देखिए इससे क्या आएगा गाइस, इससे क्या होगा, जो ब्लैक जो वाइट स्पेसेस था ऊपर नीचे टॉप बॉटम पे सब गायब हो चुका है। तो इसके बाद हम चलते हैं इमेज पे। तो इमेज कैसे लगाते हैं हम, इसमें दिखा देते हैं हम आपको। बैकग्राउंड इमेज URL से इमेज सेट करते हैं हमेशा। तो मेरे पास इमेज है ये वाली, देख सकते हैं आप, इमेज 15.jpg। तो इसका लिंक दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उससे इमेज आ जाएगी हमारी। सेव कर देते हैं हम। देखिए इमेज आ चुकी है हमारी। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो हमारी, कई बार क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो छोटी होती है, तो वो रिपीट होती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो तो एक होता है इसमें बैकग्राउंड रिपीट, तो आप उसे कर दीजिए नो रिपीट। तो नो रिपीट से क्या होगा कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप, अगर मान लो आपकी इमेज बहुत बढ़िया, आप चाहते हो कि वो सिर्फ जितनी लैपटॉप की स्क्रीन है उतने पे आ जाए, तो आप बैकग्राउंड साइज में जाके कवर लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते, कवर लिखेंगे तो देखिए पहले इमेज पूरी नहीं थी, पूरी आ रही है। अगर आपको कवर नहीं लिखना तो आप कवर की जगह सिंपली 100% लिख सकते हैं। दो बार 100% क्यों लिखा, एक बार टॉप और बॉटम के लिए, एक बार लेफ्ट और राइट के लिए, ये लिखा दो बार इसलिए। तो देखिए कोई चेंज नहीं आया क्योंकि पहले कवर था, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आया। अगर आप चाहते हैं हमारी कोई, मान लिया हमारे पास छोटी इमेज है कोई, और वो लेफ्ट राइट ऐसे कुछ आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं सेंटर में है, तो बैकग्राउंड पोजीशन चाहिए आप, सिंपल सेंटर लिख दीजिए
सेंटर लिख देंगे तो यहाँ हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी इमेज फुल साइज है इसलिए। और एक तरीका और होता है बैकग्राउंड कलर देने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बैकग्राउंड कलर आप चाहे जैसे मैंने ऊपर यहाँ सिंपल दिया है वाला ग्रीन, तो ऐसे भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते ऐसे देना तो हम हैशटैग और वो कोड लगा सकते हैं। कोड कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, 0 से लेके F तक, हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं उन्हें। तो जैसे मैं दे रहा हूँ 21 21 21, ये हमने कोड दिया बैकग्राउंड, और ऊपर वाला हटा देते हैं। और इमेज भी हटानी पड़ेगी हमें ताकि हमें अपना दिखे। इमेज हटा देते हैं हम, एक सेकंड गाइस, ताकि आपको दिखे कि हम क्या करना चाहते हैं। हम इसे सेव कर देते हैं। देख रहे हो गाइस, ब्लैक होगी स्क्रीन। 21 21 21 क्या हुआ कोड? अगर ये 6 डिजिट का कोड होता है सबसे मेन बात, अगर आप यहाँ 7वीं डिजिट लिखोगे, मान लो 7वीं डिजिट लिखी, तो यहाँ रन नहीं होगा। वो देख सकते हैं आप, अभी देखिए वाइट आ गया है। अगर आप वहां जाके कोई भी एक डिजिट हटा दोगे तो कोई ना कोई कलर जरूर शो होगा। देखिए शो हो रहा है। इसके बाद आती है हमारी RGB और RGBA वैल्यू। RGB वैल्यू क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। RGB वैल्यू तो RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू का मिक्सचर होती है। एक आप कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इससे। और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। हम इसे चलते हैं 117 105 और 100 लिख देते हैं हम ब्लू में। देखिए कौन सा कलर बनेगा। अभी नहीं शो नहीं होगा क्योंकि हमने बैकग्राउंड दे रखा है। बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, जब भी आपको शो होगा तो हम सेव कर देते हैं। और देखिए का कलर बन गया ना। और इसके बाद आती है हमारे पास RGBA वैल्यू। तो ए किस लिए होती है, यहाँ से नहीं आएगा, वो हटाना पड़ेगा। तो जो ए वैल्यू होती है वो किस लिए आती है, अभी RGB की फुल फॉर्म तो पता होगी आपको, पर RGBA की नहीं पता होगी। तो RGB की क्या होती है, रेड ब्लू ग्रीन। तो ए किस लिए आता है, ये आता है आर्गन के लिए, जैसे देख सकते अल्फा के लिए, सॉरी अल्फा के लिए आता है। तो अल्फा क्या करता है, अल्फा ओपेसिटी के लिए होता है। और इसकी रेंज होती है 0 से लेके 1 तक की। आप पॉइंट में कुछ भी लिख सकते हो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं अल्फा की रेंज लिख रहा हूँ 0.9। तो ये डार्क आने वाला है, जो कलर है वो डार्क आने वाला है। देखा आया जाता, तो यही कलर लाइट आए तो उसके लिए सिंपली आपको 2 लिख देना है, तो ये बिल्कुल ही लाइट आ जाएगा। देखना भी आपको, देख सकते हो बिल्कुल लाइट। मैं चाहते हो मीडियम कलर आए तो 5 लिख दीजिए, तो मीडियम आ जाएगा। देख रहे हो आप गाइस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू गाइस।